और जैसे कि देखने न्यू दिल्ली आ गए हैं और ये देखिए काफ़ी क्राउड भीड़ है और काफ़ी लोगों का भीड़ है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग न्यू आदमी देखने के बाद आपको कुछ अलग टाइप का बिहेवियर कर सकते हैं ऐसा कुछ। टोटो वाला लोग में फिर से आपका स्वागत है। मैं कहीं जा रहा हूँ जो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें। जो कि ये देख रहे हैं बैग सारा पैकिंग वैकिंग हो गया है, जो कि यहाँ पे खाना वाना बन रहा है जो मेरे लिए ले जाने के लिए ट्रेन में। यहाँ पे भाभी बना रही है, लिट्टी है और पनीर पकौड़ा है जो कि बना के दे रही है, जो कि अभी निकलेंगे थोड़ा देर के बाद। मेरा 12 बजे ट्रेन है जो निकलेंगे, दूर हल्का निकलना है इसके कारण से कुछ बना के ले ले रहे हैं। देख रहे होंगे फ्रेंड आप, और देख रहे होंगे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, बस इतने ही जो कि कल सुबह में उतर जाना है। और यहाँ पे देख रहे हैं भाभी बना रही है लिट्टी और पनीर पकौड़ा बन गया है, और अब थोड़ा देर में पैकिंग करके हम लोग निकलेंगे स्टेशन। आप फ्रेंड डेडी हो चुके हैं और हम बैग है और चलते घर से, चलते भाभी। और भाभी बना बना के दे दी सब चीज़, यहाँ सब चीज़ खाने में का, और मम्मी बाहर में जो कि और चलते हैं फ्रेंड। पानी नहीं पी ली और मम्मी मेरी, और निकलते हैं स्टेशन के लिए। और ये मेरा घर का बाहर का लोकेशन, और जैसे फ्रेंड ये हमारा घर का बाहर का लोकेशन जो कि हम लोग जा रहे हैं, मेरा दोस्त जा रहा है साथ में छोड़ने के लिए, उसके बाद उधर से रिटर्निंग हो जाएगा तुरंत, जो कि मेरा ट्रेन है 12 बजे। और मिलते हैं फ्रेंड स्टेशन का लोकेशन आपको दिखाते हैं। फ्रेंड ये बैंक मॉल का लोकेशन है और हम लोग पहुंच चुके हैं बैंक मॉल, और काफ़ी यहाँ पे भीड़ देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग जो कि अभी जाम रहता है, जो पहले 1 घंटा पहले हम लोग स्टेशन से निकल गए। और मेरा घर का सामने से स्टेशन मिनिमम 10 मिनट 5 मिनट लगता है बाइक से, और ये रोड का लोकेशन है जो काफ़ी जाम मिलता है इस समय। हेलो गाइस, जैसे देख रहे हैं ये स्टेशन का नीचे का रोड है जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाया गया, जो कि इधर शॉर्टकट पीछे वाला रेलवे स्टेशन जो न्यू बना है, तो इधर से ही जाने के लिए रास्ता का दूर किया गया और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का रोड लग रहा है। और अब स्टेशन हम लोग पहुँचने वाले फ्रेंड, जो कि फ्रेंड धनबाद स्टेशन पीछे वाला रोड है जो कि हम लोग पुराना बाजार वाला, जो कि हम लोग पहुँच चुके हैं देख रहे हैं आप। और यहाँ से ट्रेन मेरा 12 बजे है, जो कि देखते हैं कितने में बैठ पाएगा, आपके इनकरी काउंटर में जाके पूछते हैं। और फिर देखेंगे यहाँ पे पहुँच चुके हम लोग और यहाँ पे बाइक रुकता, उसके बाद मेरा दोस्त यहाँ से घर जाएगा। और ये देखिए धनबाद स्टेशन जो कि पहुँच गए हैं, गुड बाय। और जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड हम लोग पहुंच चुके हैं धनबाद स्टेशन, और ये बंटी मेरा दोस्त अब यहाँ से जाएगा घर। अब हम लोग निकलते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं फ्रेंड, और देखिए कि 1000 रुपये पहले कहाँ पे ट्रेन है, कितना नंबर प्लेटफॉर्म पाएगा, उसके अंदर जाके पता करते हैं फ्रेंड। जो कि फ्रेंड पहुँच चुके हैं स्टेशन और उसके ऊपर जा रहे हैं, और 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए जो प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, और मेरा ट्रेन आने वाले 12 बजे जो कि दिल्ली के लिए, और यहाँ से चल रहे हैं। दिखाते हैं फ्रेंड ट्रेन में बैठने के बाद, जो कि ऊपर पहुँच चुके हैं ये, और ऊपर का लोकेशन है धनबाद स्टेशन का, और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जो कि कोलकाता से पूर्वा एक्सप्रेस चलता है गाड़ी, जो कि उसी ट्रेन क्योंकि पूर्वा एक्सप्रेस आपका चलता है हावड़ा से, और यहाँ धनबाद पहुँचेंगे 12 बजे, क्योंकि मेरा अभी यहाँ टाइमिंग है 12 बजे, क्योंकि अभी टाइम आधा घंटा बचा हुआ क्योंकि वेट करेंगे ट्रेन का, जो कि अब मेरा ट्रेन 12 बजे आने वाला। और हम लोग स्टेशन में आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि पहले ही 1 घंटा पहले स्टेशन आ जाना है कि ट्रेन छूटे ना, और थोड़ा देरी के बाद मेरा ट्रेन आने वाला है यहाँ पर, जो कि पहले ही हम लोग पहुँच गए हैं, जो कि मेरा दोस्त यहाँ पर छोड़ दिया कि जल्दी जल्दी में ट्रेन ना छूटे। फ्रेंड धनबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं और 12 बजे ट्रेन यहाँ से आज हावड़ा से धनबाद आ जाएगा, और देख रहे हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा क्योंकि पहले ही यहाँ के क्योंकि आधा घंटा बचा हुआ है। और देख रहे हैं इस लाइन पूरा खाली है क्योंकि इसी ट्रेन आएगा, क्योंकि अभी समय बाकी है और बहुत सारे लोग अभी आएंगे जिनका इनका टिकट है। बहुत सारे लोग जो हावड़ा से आ रहे हैं, क्योंकि हावड़ा का उनका टिकट जो धनबाद से दिल्ली का टिकट होगा, जो कि यहाँ से बैठेंगे क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म नहीं है, जो कि TT से बात करें कुछ सीट के रात के लिए सीट मिल जाए क्योंकि प्रॉब्लम ना हो मुझे। जो कि फ्रेंड यहाँ पहुँच चुके हैं धनबाद स्टेशन,
और यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड है धनबाद जैक्शन। थोड़ा देरी के बाद ही मेरा ट्रेन आने वाला है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जो कि पूरा अभी लाइन खाली है और आधा घंटा और बचा हुआ आने का, जो कि हावड़ा सारा ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस और दिल्ली सुबह उतर जाएंगे हम 6 बजे फ्रेंड। और देखते हैं मुझे सीट तो कंफर्म नहीं है, कोई भाई लोग को बात करेंगे, देखते हैं सीट कोई दे दे तो टीटी से बात करना पड़ेगा। बहुत जल्दी जल्दी में जाना पड़ गया दिल्ली उस काम से, इसी कारण से टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तत्काल में भी नहीं, और काउंटर्स भी गए तो नहीं मिल पाया कंफर्म टिकट। और देखते हैं, एक रात का बात है सिर्फ, और सॉल्व देखते हैं एक दूसरे से बोल कर और किसी से बात करेंगे, देखते हैं शायद हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं और हम भी बहुत बार गए हैं, एक दो बार कंफर्म नहीं हुआ तो जस्ट ये देखिए धनबाद स्टेशन का ये लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा। और ये धनबाद जैक्सन, जो कि थोड़ा देरी के बाद ही इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगा 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, जो कि सब तैयारी वारी कर ली है, ज़्यादा कुछ लिए नहीं है और दिल्ली जाते हैं फ्रेंड। और वहाँ का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को स्टेशन पे उतरने के बाद, पहले यहाँ का दिखा देते आप लोग को ट्रेन में चल रहे उड़ रहे, उसके बाद आप लोग वहाँ का दिखाते हैं क्या है दिल्ली। फर्स्ट बार मैं दिल्ली जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है, कैसे लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं, तो मैं आपको उधर से आने का ब्लॉग वीडियो ज़रूर मैं इस बारे में बताऊँगा क्या है, अच्छा लगा नहीं लगा ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा कि कैसा है दिल्ली नहीं है। और मेरे पीछे देख रहे हैं धनबाद जैक्सन, जो कि लिखा हुआ इधर से उल्टा नज़र आ रहा फ्रेंड, जो कि इधर से शायद उल्टा नज़र आ रहा होगा, हाँ इधर से उल्टा नज़र आ रहा है, क्योंकि इधर धनबाद इस साइड में रहना चाहिए तो उल्टा देखिए नज़र आ रहा है, तो पता नहीं क्यों है इधर ऊपर से नीचे लग रहा कैमरा के कारण से, इसके कारण से पता नहीं। और हम लोग अभी धनबाद स्टेशन में फ्रेंड, देखते ट्रेन कितने में जा रहे हैं, जो कि फ्रेंड मुझे बताया गया था पूछे थे पहले तो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगा, अब पूर्वा एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगा, जो कि पहले आ गए एलायंस जो कर दिया गया जो 1 नंबर पर ही आएगा, जो 1 नंबर पर अभी आ गए, जो कि 10 से 15 मिनट बचा हुआ, जो कि हमको देखिए आवाज़ में वीडियो बनाने में व्यस्त था उसके कारण से अभी मेरा ट्रेन भी छूट जाता, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आएगा पूर्वा एक्सप्रेस और 10 से 5 मिनट बचा हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये पूरा 1 नंबर है ये, और 1 नंबर पे ही खड़ा है फ्रेंड अभी भी फ्रेंड। पूर्वा एक्सप्रेस पहले अनाउंस किया गया 1 नंबर पे, उसके बाद 3 नंबर पे आए और काफ़ी भागदौड़ हुआ, जो कि परेशानी पहले 1 नंबर में कुछ देर बाद रहे, उसके बाद बोला गया 3 नंबर पे अनाउंस किया गया, जो कि अब 3 नंबर पे आए दौड़ दौड़ के, ना ट्रेन छूट गया अभी तक आया नहीं है ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस, और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं आता है तो वहाँ के दिखाते हैं अंदर जाके क्या क्या है नहीं है, बहुत मेरा ट्रेन ही छूट जाता अभी काफ़ी लोगों का है भीड़ है, जो दिल्ली जाने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जो कि फ्रेंड पूर्वा एक्सप्रेस आ गई है और ट्रेन जो कि अब चढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत सारे लोग की भीड़ है। और ये देखिए ट्रेन आ गया, जो कि धीरे धीरे भी आ रहा है, जो कि ये देखिए धनबाद स्टेशन, जो कि टाइमिंग है 12 बजे, क्योंकि काफ़ी लोग का भीड़ है यहाँ पे दिल्ली जहाँ जहाँ जाना है, जिनको जिनको उनका ट्रेन टिकट है यहाँ का, और हम भी चढ़ने वाले हैं थोड़ा देरी के बाद ट्रेन में, अब रुकने वाला है, अब देखिए काफ़ी लोग भीड़ में चढ़ने वाले हैं अभी धनबाद स्टेशन से, जो कि फ्रेंड पूर्वा एक्सप्रेस आ गया रुकने वाला है देख रहे हैं, और काफ़ी भीड़ है लोगों का, क्योंकि अभी ट्रेन थोड़ा देर के बाद रुकेगा, उसके बाद सारा जितने सारे लोग हैं ट्रेन पे चढ़ने वाले हैं और हम भी चढ़ते हैं, और उसके बाद तुरंत यहाँ से 1 से 2 मिनट में पूर्वा एक्सप्रेस खुलता है, अंदर जा कर बताते हैं फ्रेंड आप लोगों को सब कुछ सामान वामान रख कर, जो कि अब बाहर अंदर जाने वाले फ्रेंड देख रहे हैं आप, और बाहर निकले अंदर जा रहे हैं, जो कि फ्रेंड देख रहे हैं धनबाद स्टेशन से ट्रेन खुल चुका पूर्वा एक्सप्रेस, और मेरा कहीं भी जगह मिल गया है और बैग वग सारा रख दिए, और अभी एडजस्ट करते दिन भर, उसके बाद देखते हैं रात को टीटी आता है तो उसके बाद सीट उट के लिए जुगाड़ लगाते हैं। और ये धनबाद स्टेशन का लोकेशन है, जो कि फ्रेंड ये धनबाद स्टेशन का लोकेशन है, जो कि अब यहाँ से ट्रेन खुल चुका है, और यहाँ पे हल्का सा एक लेट से आया गया, पहले 1-2 नंबर पर बुला गया, 3 नंबर पर तो प्रॉब्लम हुआ, और ट्रेन में बैठ चुके हैं सामान वामान सारा, जो कि मेरा बैग वो सारा चीज़ रखा गया फ्रेंड, और आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें, और जो कि अभी बैठ गए हैं उसके बाद टीटी आता है, उसके बाद बताते हैं क्या होता नहीं होता, आप लोग कंटिन्यू।
गया और थोड़ा देर के बाद सुबह में पहुंचने वाले हैं दिल्ली, क्योंकि समय 6 बज जाएगा और सुबह का नाश्ता ये शाम को, सॉरी शाम और हम लोग थोड़ा देर के बाद, क्योंकि रात को कुछ देखने क्या खाने वाला आता और बिरयानी बनाने लेते हैं, क्योंकि आप लोग को दिखाते हैं और आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें। जो कि फ्रेंड मुझे अभी सीट मिल चुका है, जो कि हाई टावर का सीट है, उसकी रात को प्रॉब्लम नहीं मुझे लग रहा है सोने में। और मैं उनका नाम बताना चाह रहा हूँ, क्या नाम है, सदाम नाम है, जो कि मेरे साथ हैं। ये मैं अभी बैठे हुए हैं, जो कि S7 में उनका सीट है, जो मुझे सीट दी है उनके नानी वाला। तो बहुत बहुत थैंक्स उनको जो कि मेरे साथ में बैठे हैं, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ आपको उनका सीट था, वो क्योंकि S7 में 35 है उनका सीट वर्ड, और जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन है वो। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रात को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला मुझे जाने में दिल्ली। जैसे देख रहे मुझे सीट मिल चुका है, मेरे भाई का सीट था, सदाम का, थैंक यू इसमें बोला चाहते हैं। उस सीट का काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला था मुझे, क्योंकि सीट मुझे मिल चुका है इन्हीं का वर्थ था, और निकलते हैं हम लोग अपना सीट पे। थैंक यू इनको बोलना चाहते हैं, और सीट का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ट्रेन में, क्योंकि मुझे सीट मिल चुका है। फ्रेंड खाना उन्होंने खा लिया सब चीज़, और ये देखिए सीट जो कि मुझे मिला। और सुबह उतर जाना है सुबह 6 बजे, और दिल्ली में मिलते हैं फ्रेंड, वहाँ का ब्लॉग दिखाते हैं, वहाँ का क्या लोकेशन है, क्या व्यू है, और सुबह मॉर्निंग उतरते हैं फ्रेंड ब्लॉग। फाइनली गाइस, जो कि दिल्ली थोड़ा देर के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं, और 7 बजे टाइमिंग है, और थोड़ा देर के बाद हम लोग उतरते हैं और आपको बताते हैं कैसा है दिल्ली और ट्रेवल करके कैसा लगा, तो वो जरूर। और सुबह का भी जो कि अभी चाय पी रहे हैं, और उतरते वहाँ पर दिखाता हूँ आपका लोकेशन कैसा है। फाइनली गाइस, जो कि दिल्ली नहीं, दिल्ली स्टेशन पर उतर चुके हैं, और यहाँ से बहुत सारे लोग जो उतर रहे हैं, और हम भी उतरने वाले, उसके बाद भीड़ खत्म होने के बाद और नीचे उतरते हैं फ्रेंड, और बाहर निकलते पहले, जो कि बाहर का ये लोकेशन, जो कि ट्रेन के अंदर का, जो कि बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, उसके बाद हम भी बाहर उतरेंगे और देख रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने वाले निकल रहे हैं, और मेरे भगना वो लेने आएगा मुझे, देखते बाहर का निकल रहे हैं, और जो कि मेरा भगना लेने के लिए आ रहा है मुझे, और मतलब 15 से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे उनके घर। जो कि फ्रेंड रेलवे स्टेशन के बाहर में है, जो कि न्यू दिल्ली, और देख रहे हैं काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, भीड़ है, और बहुत सारे लोग हैं, जो कि चारों तरफ से आपको बहुत तादाद में लोगों का भीड़ मिलेगा, और इसमें मेट्रो वोट्रो जहाँ भी जाना आपको मेट्रो से भी जा सकते हो, ऑटो से, चारों तरफ से देख रहे हैं भीड़ है। और न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली जहाँ भी जाना है आपको, तो आप यहाँ पर टोटो है, गाड़ी है, तो बुकिंग कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि अब निकलने वाले हैं अपनी दीदी के घर, जो कि मेरा भगना आ रहा है लेने के लिए, और उसके बाद जाके पहुंचते हैं, उसके बाद वहाँ का दिखाते हैं आप लोग को। और फ्रेंड कंटिन्यू ब्लॉग में आप लोग बने रहे, ये देखिए न्यू दिल्ली, और जैसे कि देख रहे हैं न्यू दिल्ली आ गए हैं, और ये देखिए काफ़ी क्राउड भीड़ है, और काफ़ी लोगों का भीड़ है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग न्यू आदमी देखने के बाद आपको कुछ अलग टाइप का बिहेवियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ टोटो वाला लोग होते हैं, तो अपना बच के ही आपको काम हर चीज़ करना है यहाँ पे। तो भी फ्रेंड अभी आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, जो कि मेरा भगना आ रहा लेने के लिए मुझे, और 1 नंबर गेट पे, जो कि मैं बोला 5 नंबर गेट पे हूँ, जो कि पहली बार आया हूँ मैं दिल्ली, उसके बाद पहले उसको बुला रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पर ही हूँ, और देखते हैं आ रहा अभी। और ये दिल्ली का लोकेशन है मेट्रो स्टेशन का, और आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या लोकेशन है दिल्ली का। जैसे गाइस, और हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं, और मुझे लेने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं मुझे मेरा भगना जो मुझे लेने के लिए आया, और पहले से घर जाए, जो कि फ्रेंड इसके बाद मेरा मेट्रो है, और थोड़ा देर के बाद हम भी जाएंगे, और ये स्टेशन मेट्रो स्टेशन, और अभी तो काफ़ी कम भीड़ है, थोड़ा देर के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है,
फर्स्ट ये देखिए मेट्रो स्टेशन का ये लोकेशन है, व्यू अच्छा है। जो कि फ्रेंड अभी मेट्रो में है और थोड़ा देर के बाद पहुंचने वाले दीदी का घर, और काफ़ी लेट होता है आने जाने में, दिल्ली में काफ़ी ट्रैफिक रहता, जो कि अभी दिल्ली में पहुंच चुकी है और दीदी का जाने वाले थे मेरे साथ में, मेरा भंगा जी मुझे लेने के लिए आया है, जो कि यही लेने के लिए आया है मुझे, जो कि दिल्ली पहुँचे 7 बजे और अभी बज रहा 10, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है मेट्रो में, ये देख रहे हैं आप, और अभी काफ़ी खाली है, और इधर भी देख रहे हैं आप खाली है काफ़ी, जो भी बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं या जॉब करने के लिए जाते हैं और वो ट्रैवल करते हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है इसमें। जो कि देख रहे हैं ये दिल्ली मेट्रो का बाहर का लोकेशन है और काफ़ी अच्छा है, और पेड़ पौधा ज़्यादा देख रहे हैं आप, और थोड़ा देर बाद हम लोग उतरने वाले हैं, और ये देख रहे हैं व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा, और जस्ट मेट्रो एक पूरा खाली है अभी, जो कि थोड़ा देर बाद पूरा खाली हो जाएगा, और इधर भी देख रहे हैं ब्रिज है, और थोड़ा देर बाद एक जगह रुकने वाला है मेट्रो। जो कि फ्रेंड और इसके बाद है रोहनी, जो कि हम लोग उतरने वाले हैं, क्योंकि मेट्रो में काफ़ी लोग अभी भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, जितने सारे जॉब करते हैं वो उतर चुके हैं, अपना जॉब पे चल गए हैं, और मेट्रो अभी काफ़ी खाली है, और देख रहे हैं शाम को काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे, और देख रहे हैं अभी काफ़ी खाली है, जो कि थोड़ा देर के बाद जो 5 से 10 मिनट के बाद हम लोग उतरने वाले हैं, जो मेरे साथ मेरा भगना, जो कि हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर पहले, उसके बाद जाएंगे कहीं और, बताते हैं कहाँ पे, पहले वहाँ पहले दीदी के घर पहुँच जाते हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगे ले जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताते हैं फ्रेंड, और नीचे उतरते हैं मेट्रो से तो आपको दिखाते हैं, अगर अभी पैसा है नहीं है कि अब हम लोग पहुँच चुके हैं रोहिणी, और गेट खुलने वाला है और पूरा मेट्रो खाली हो जाएगा 1 से 2 मिनट के अंदर, और देखते हैं बाहर का लोकेशन क्या है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मेट्रो बाहर का लोकेशन है, जैसे कि देख रहे हैं, और नीचे उतरने वाले हैं, नीचे उतर के, और ये देखिए इधर से जाने वाले हैं, अब बाहर निकलेंगे मेट्रो स्टेशन, सर बाहर निकलने के बाद बगल में ही दीदी का घर है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन का पूरा व्यू है अंदर का, और साथ में मेरा भगना है, ये हम जा रहे हैं, और इधर लिफ्ट है, और जिधर से भी जाना आप जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे फ्रेंड कार्ड सटाना पड़ेगा तभी खुलेगा, और कार्ड सटा दिए उसके बाद खुला गेट, और ये बाहर का निकलने का रास्ता है, बाहर निकल रहे हैं हम लोग, और 1 से 2 मिनट लगेगा बाहर निकलने में मेट्रो स्टेशन से, जो कि बाहर निकल गए हैं, और यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है दीदी के घर, क्योंकि पहले कुछ लेंगे उसके बाद जाएंगे दीदी के घर, और देखते हैं क्या क्या ले रहे हैं, और आप लोग दिखाते हैं अपने दीदी के घर दिल्ली में कहाँ पे रोहिणी में, जो कि मेरा भगना जो कि अंदर गया है स्कूटी लाने के लिए, और यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, जो कि जाएंगे अभी दीदी के घर, स्कूटी इसके अंदर खड़ा किया हो क्योंकि ला रहा, पहले मिठाई उठाई कुछ लेंगे उसके बाद दीदी का घर जाते हैं, फिर दिखाते हैं वहाँ का क्या लोकेशन है, ऐसा घर है नहीं है, दिल्ली में काफ़ी छोटा छोटा घर रहता है पता है मुझे, फिर भी दिखाते हैं आप लोग को। हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं और दीदी का घर पहुँच चुके हैं, और ये मेरा भगना, और दीदी देख रहे हैं पीछे बैठी हुई है, और धनबाद टू दिल्ली का ट्रेवल आपको कैसा लगा ब्लॉग वीडियो, तो चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लव फिल ब्लॉग को ज़्यादा सपोर्ट करें, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा पोता है जो कि पहुंच चुके हैं घर में, और आराम आराम करें, मतलब मुँह कान धोएंगे, उसके बाद थोड़ा देर के बाद कहीं सामान लेंगे, उसके बाद निकलेंगे फ्रेंड, और चैनल में न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।